अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्राइम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। क्या कोई भी लैंग्वेज हमारे पास लॉजिक सेम रहेगी, यू कैन इम्प्लीमेंट इट एवरीवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो हमारे पास वन पे डिवाइड होगा एंड जो वो नंबर खुद है उस पे डिवाइड होगा। लाइक हम टू देखें, टू सिर्फ वन पे डिवाइड होता है, टू इटसेल्फ उस पे डिवाइड होता है, ठीक है। थ्री देख लें, थ्री वन पे होगा और थ्री पे होगा बस। सेवन देख लें, सेवन वन पे होगा और सेवन पे डिवाइड होगा, बीच में टू थ्री फोर फाइव इन पे डिवाइड नहीं होता। फाइव भी प्राइम नंबर में आता है क्योंकि वन पे डिवाइड होगा और फाइव पे होगा। तो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो अभी हम ये एक्सप्लेन करूँगा मैं लॉजिक के अपने यूज़ है करनी है, यूज़ तो ही करनी है, हमें लूप करना है फ्रॉम वन टू दैट नंबर और मैक्सिमम वो नंबर कितने टाइम डिवाइड होगा, जो कि दो बार डिवाइड होगा। वन से फर्स्ट ऑफ ऑल वन से डिवाइड होगा और नेक्स्ट वो अपने अपने नंबर से डिवाइड होगा, मतलब बीच में वो डिवाइड होगा ही नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक नंबर वेरिएबल और एक वेरिएबल होगा डिवाइडेड, जो कि अभी ना आप देखें, आप सिर्फ नंबर देखें। देन मैं करूँगा सी आउट एंटर नंबर, जो कि हमने नंबर एंटर करवाना यूज़र से कि वो प्रोग्राम चेक करे कि वो प्राइम है कि नहीं है। देन मैं उसको सीन करूँगा उस नंबर को। अब इसलिए रिक्वायर्ड है थोड़ा बहुत आपको सी प्लस प्लस आती हो, क्योंकि सिंटैक्स तो आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक कि एक प्रोग्राम कैसे लिखना है। ये बहुत कॉमन प्रोग्राम है, असाइनमेंट्स में, क्विज़ में, इवन एग्जाम्स में आता रहता है ये क्वेश्चन। तो अब हमने करना है फॉर लूप स्टार्ट, इंट आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू नम, उसके बाद आई प्लस प्लस। अच्छा, अब हम लूप कर रहे हैं फ्रॉम वन टू दैट नंबर। अब वो नंबर मैक्सिमम होगा टू टाइम्स डिवाइड, जो कि मैंने कहा है एक वन से होगा और एक उस नंबर से होगा। तो मैं करूँगा इफ़ अब नंबर मॉड आई इक्वल इक्वल ज़ीरो। अब नंबर मॉड आई क्या है? नंबर मॉड आई मतलब अगर हम उस नंबर को आई के वैल्यू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो है हमारे पास। रिमाइंडर ज़ीरो आता है मतलब वो नंबर डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेवन की एग्जाम्पल लें, सेवन वन से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कोई नहीं आता, ठीक है। अगर हम सेवन को टू से डिवाइड करें रिमाइंडर आता है, थ्री से करें तभी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सेवन को हम वन से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और सेवन को जब हम सेवन से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, एल्स हमें रिमाइंडर मिलेंगे। अब जब रिमाइंडर ज़ीरो है हमारे पास, दैट मीन्स के वो नंबर हो रहा है वो डिविजिबल है बाय आई से, ठीक है। तो तब हमने जो डिवाइडेड है ना, एक वेरिएबल हमने बनाया डिवाइडेड का, उसको इंक्रीमेंट कर लेंगे। मतलब पहले डिवाइडेड की वैल्यू हम रखते हैं ज़ीरो और अब होगी डिवाइड की वैल्यू वन, ठीक है। समझे, हमारे पास आए था वन और फॉर एग्जांपल हम नंबर एंटर किया था सेवन, ठीक है। तो नम मॉड आए मतलब सेवन मॉड वन इक्वल इक्वल ज़ीरो, डिवाइड हो गया तो डिवाइड की वैल्यू हमारे पास यहाँ वन होगी, ठीक है। फिर आए की वैल्यू आए प्लस प्लस की वजह से आए की वैल्यू टू होगी हमारे पास, सेवन टू से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। फिर थ्री आ गए, थ्री से डिवाइड नहीं हुआ, फोर से डिवाइड नहीं हुआ, फाइव से डिवाइड नहीं हुआ, सिक्स से भी नहीं हुआ। एंड देन जब आई की वैल्यू सेवन आ गई तब फिर सेवन मॉड सेवन इक्वल इक्वल ज़ीरो आ गया, डिवाइड हो गया और डिवाइड की वैल्यू अब टू हो गई। मतलब जो एक प्राइम नंबर है वो वन से लेके अपने नंबर तक सिर्फ दो टाइम्स डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड की मैक्सिमम वैल्यू कैन रीच टू, उसके फार नहीं जा सकती। अगर इसके फार गई मतलब वो एक प्राइम नंबर है ही नहीं। तो वन से डिवाइड की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अब हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे और हम करेंगे इफ़ डिवाइडेड इक्वल इक्वल टू, मतलब अगर डिवाइड की वैल्यू टू आ गई देन हम सी आउट कर देंगे कि द नंबर वॉज प्राइम, द नंबर वी एंटर्ड वॉज प्राइम। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। एंड देन मैं रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, लेट मी रन दिस, रन करते हैं इसको थोड़ा। थोड़ा टाइम लेता है रन करने में। अच्छा, इसने क्या एंटर नंबर, एंटर नंबर मैंने किया हमारे पास सेवन एंटर किया, द नंबर वॉज प्राइम, ठीक है। अब सेवन प्राइम नंबर था इसलिए प्राइम आ गया। मैं फॉर एग्जांपल सिक्स करके देखता हूँ, सिक्स पे क्या आएगा नजर आ रहा होगा आपको।
एंटर नंबर 6, तो 6 पे कुछ नहीं आया, नंबर वाज मतलब प्राइम नहीं था, तो मैं एक एल स्टेटमेंट भी डाल रहा हूँ कि अगर डिवाइडेड की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका मतलब है कि नंबर नंबर वाज नॉट प्राइम, ठीक है। अब आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई होगी। अब इसकी एक और लॉजिक भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ना कि 1 से लेके नंबर तक वो दो टाइम डिवाइड होगा, एक तो 1 से और एक उस नंबर से। तो अगर मैं लूप स्टार्ट ही 2 से करूँ और ख़त्म करूँ उस नंबर से एक नंबर पीछे, मतलब 7 है, मैं लूप करूँ स्टार्ट 2 से और देन क्या कहते हैं मैं नंबर -1 तक लूप करूँ, मतलब 6 तक लूप करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर लूप 2 से स्टार्ट करूँ और मैं यहाँ आए नंबर -1 तक जाऊँ, मतलब 6 तक जाऊँ, तो वो डिवाइड हो गए नहीं किसी से, ठीक है ना, मतलब डिवाइड की वैल्यू 0 आएगी। तो अब हम यहाँ कंडीशन चेंज करेंगे कि अगर डिवाइड की वैल्यू 0 है देन आपने बोलना है कि नंबर वॉज प्राइम। और यहाँ मैं आपको चेक करने के लिए एक डिवाइड की वैल्यू प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि डिवाइड की वैल्यू आई क्या थी। अच्छा अब मैं करता हूँ 7, ठीक है, बल्कि 13 करते हैं, 13 भी प्राइम नंबर है, 13 की तो ये डिवाइड की वैल्यू 0 दे दी इसने और द नंबर वॉज प्राइम का है इसने, सही है। अब मैं ट्रैक करता हूँ, किसको चेक करूँ, 10 को चेक करता हूँ। अब 10 2 से डिवाइड होगा देन वो होगा डिवाइड 5 से, मतलब 2 टाइम्स डिवाइड होगा वो, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। अगर 0 टाइम्स वो आता, ठीक है, तो मैं उसे प्राइम कहता। अब मैं 10 ऐड करता हूँ तो डिवाइड की वैल्यू 2 ही आएगी, ऑब्वियसली 10 लिखा मैंने और डिवाइड के लिए 2 थी और आ गया नंबर वॉज नॉट प्राइम। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ये काफ़ी कॉमन प्रोग्राम है प्राइम नंबर का, थोड़ी सी मतलब लॉजिक लगानी है, बाकी सिंटेक्स कोई मुश्किल नहीं है, लॉजिक भी एक फॉर लूप यूज़ करें, कोई नेस्टेड लूप नहीं है, कोई उस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो बस ये था प्रोग्राम, सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच और प्रैक्टिस करें इसको खुद और डिफरेंट नंबर्स ट्राई करें कि क्या प्राइम है क्या प्राइम नहीं है। Pull up on you like agency. Deta asrat manfi. Tujh mein dar hai, I can sense it.